चेन्नई का कपल था और उनको एक आईआईटी स्टूडेंट के स्पर्म्स चाहिए थे और वो कह रहे थे कि अगर कोई आईआईटी स्टूडेंट अगर राज़ी होता है तो उसको मुंह मांगी की कीमत दे सकते हैं। तो आप ये कुछ गेज नहीं कर सकते कि कितनी कीमत होगी, इट कैन वेरी फ्रॉम 5,000 to 50,000, तो ऐसा होता है डिपेंडिंग अपॉन योर टैलेंट। कोई चाइल्डलेस कपल होता है तो ये नहीं सोचता है कि जनसंख्या बढ़ रही है, उनको बच्चा चाहिए, वो अगर मतलब ऐसा ही होता है। जनसंख्या शायद हम सोचेंगे कि यार बच्चे हो रहे हैं बहुत सारे, लेकिन जब खुद पे बात आती है तो इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। एवरी पेरेंट दे लुक फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ देमसेल्व्स इन द चाइल्ड, सो बाय डोनर स्पर्म्स दे कैन एटलीस्ट हैव द क्वालिटीज ऑफ द मदर इफ नॉट द फादर। Since there are a lot of childless couples here, 30% there's a 30% rise in childless couples, that's what I said earlier, and the sperm count of males is going down at least by 10 to 15% because of stress or because of exposure to harmful gases. So I think this is the need of the hour. It's very normal, very natural. Agar titles ki baat karte hain to I think जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है या फिर जब से बॉलीवुड की शुरुआत हुई है तब से टाइटल्स काफ़ी कैची रहे हैं। उसके बिना मुझे लगता नहीं फिल्म कोई सर्वाइव कर सकती है, क्योंकि टाइटल सुन के ही पहले दिमाग में होता है विकी डोनर। अच्छा ये डोनर कौन सा है, ब्लड डोनर नहीं है, कौन सा डोनर है, किडनी डोनर नहीं है, स्पर्म डोनर है। तो आई थिंक उससे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। आई थिंक अगर लोग फिल्म देखने जाएंगे तो वो शायद स्टार कास्ट के लिए नहीं देखने जाएंगे, दे विल गो फॉर द क्विर्कीनेस इन द टाइटल और इन द फिल्म।